समाजवादी पार्टी कस्बा सिरपुरा नगर की मासिक बैठक 14 सितंबर 2024 को नगर अध्यक्ष डॉ. वाहिद अली के कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी पर्यवेक्षक के रूप में जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह यादव और मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक नादिरा सुल्तान उपस्थित रहीं। बैठक में विधायक नादिरा सुल्तान ने कहा कि सभी को 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि सरकार ओबीसी और एससी वर्ग का आरक्षण खत्म कर रही है। नगर अध्यक्ष डॉ. वाहिद अली ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से जनता तंग आ चुकी है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और 2027 में सपा की ही सरकार बनेगी। इस बैठक में मुफीद अहमद, प्रांजल यादव, प्रदीप कुमार गुप्ता, पुष्पेंद्र यादव, मो आरएफ, विपिन कुमार गुप्ता, निर्दोष तिवारी, नाजिम बरकाती, दिलदार मियां, हैदर अली, शहबाज उर्फ भूरे भाई, हारून रजा सभासद, शानू अलवी, समसुद्दीन सैफी, निवाजी शाह, रियाज सैफी, डॉक्टर अवनीश यादव, सत्यवीर बाल्मीकि, गुर्दन टिंकू साव, नवी हसन आदर्ता मौजूद रहे। तो मेरे ख्याल मैंने और लोग जो बड़े बड़े जो लोग जो जिले पे जो वहाँ संगठन है, जो संगठन है जो बैठे हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, जैसे पटियाली के जो कार्यकर्ता हैं तो वो और कहीं ऐसे कार्यकर्ता मुझे नजर नहीं आते। और पटियाली के अंदर भी अगर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कार्यकर्ता है तो सुरपुरा नगर कमेटी के कार्यकर्ता हैं, ऐसा मुझे आशा और विश्वास है। और आने के लिए आज हमारी एक छोटी सी मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर आई हैं, ऐसा समय देने के लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। विधायिका जी उद्घाटन करेंगी और मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जी रहेंगे देवेश भैया, और सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और सभी को साथ लगकर जुलूस में चलना है।